So we are on eighth part of B. This is B part of eighth question. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Assets, bases and salts दिया हुआ. And here they are asking us explain why calamine solution is applied on the skin when an ant bites. तो ant जब bite करती है तो हम calamine solution लगाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ant bite करती है ना, वो एक acidic solution हमारे अंदर inject कर देती है. अब एसिडिक सॉल्यूशन को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई सम बेस. तो हमारा जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, किसका बना होता है? बेस का बना होता है. और अगर आप एसिड को बेस के ऊपर रब करोगे तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड. न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन. इट कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज अ वेरी वीक बेस एंड कॉजेस नो हार्म टू द स्किन. किसका बना हुआ है? जिंक कार्बोनेट का बना हुआ है एंड इट इज अ बेस. बेस है ना, तभी तभी लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे दे वुड बी फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर. सो इसी से हमें समझ आता है कि कैलमाइन सॉल्यूशन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एसिड के ऊपर क्या लगेगा? बेस लग जाएगा एंड इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड.